मोहब्बत, जी हाँ मोहब्बत खुदा की एक ऐसी खूबसूरत नेमत है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को जन्नत बना सकती है। लेकिन अगर इसी मोहब्बत में सनक पैदा हो जाए तो कोई भी इंसान खूनी दास्ता लिखने से गुरेज नहीं करता। मैं जान दे दूंगा अपनी, मर जाऊंगा यार मैं। तू क्यों मरेगा हर्ष? मरेगा तो वो कुत्ता अरहान, मैं मारूंगा उसे। ये बता क्यों मारा था तुमने उसे? तब मैंने उसे नहीं मारा था, मैं सच बोलता था। झूठ बोलता है तू, क्यों मारा तूने? तब मैंने उसे नहीं मारा था। हेलो हिंदुस्तान, क्राइम फाइल्स प्यार इश्क और गुनाह के इस कड़ी में मैं पंडित आशुतोष कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जो दास्ता आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। माँ मैं रिजल्ट लेने स्कूल जा रही हूँ, मेरे लिए पेपर है। अरे बेटा माँ बाप की दुआ तो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है, देखना बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगी तू। वो सब तो ठीक है माँ, बट अगर आज पापा जिंदा होते तो कितना अच्छा होता ना। वो सब तो ठीक है, मगर ये बता मैंने तुझे पापा की कमी कभी महसूस होने दी है क्या? अरे नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, लेट हो जाऊंगी। अच्छा सुन तू, अब क्या है माँ? अरे शुभ काम के लिए जा रही है ना, तो ये दही शक्कर खाकर जा थोड़ा। थैंक यू माँ, चलो मैं चलती हूँ, आपके लिए खुशखबरी लेकर आऊंगी। और मैं तेरे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। ओके माँ बाय। बाय। तेरा भाई पास हो गया भाई। क्या बात कर रहे हैं? कितने परसेंट? भाई उम्मीद से बहुत ज्यादा, पूरे 50%। भाई तू 50% नंबर लेकर इतने उड़ रहा है? लड़कियों को तो 90-90% नंबर लेकर आती है। मेरे को एक बात बता भाई, इतने नंबर लाके भी उन्होंने क्या कर लिया? थोड़े से नंबर कम हो जाते हैं तो रोने लगती है, मेरे नंबर कम रह गए। मेरे को एक बात बता, तू बोर्ड में 100 नंबर का लिख के, अच्छा तुझे 105 तो मिलेंगे ना? बिल्कुल नहीं। तो इतना रोने का फायदा क्यों? खुद सोच, इससे अच्छा तो भाई अपना उसूल है 50% लाने का, फुल खुश रहने का। तू टेंशन मत ले, तेरा भाई आज पार्टी देगा, तू चल। यार पार्टी तो हम लेंगे, एक बात है। बोल। अब तो स्कूल से चला जाएगा ना भाई, मेरा दिल कैसे लगेगा? जरूर जरूर भाई, मन तो आपका ना भाभी के बिना नहीं लगेगा, लेकिन हाँ उसका बिल आप मेरे ऊपर फाड़िए। अरे हाँ यार, राशि भी तो कॉलेज में एडमिशन ले रही है, फिर मैं तो स्कूल में अकेला रह जाऊंगा। एक साल की तो बात है, एक साल के बाद तू भी कॉलेज होगा, टेंशन क्यों ले रहा? जहाँ एक तरफ राशि अपने अच्छे रिजल्ट आने से बहुत खुश थी, वहीं दूसरी तरफ हर्ष को मन ही मन ये बात खाए जा रही थी कि कॉलेज में एडमिशन के बाद राशि उससे दूर ना हो जाए। और हर्ष के इस डर को हकीकत में बदलते हुए देर नहीं लगी और राशि की मुलाकात अरहान से हुई। अरहान एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, लड़कियों को घुमाना, उनसे फ्लर्ट करना उसकी आदत ही नहीं फितरत भी थी। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पहले जानबूझकर टक्कर मारते हो और उसके बाद सॉरी बोलते हो। सॉरी बोला ना मैंने? ओके। वैसे आपको कहीं डरी तो नहीं? नो आई एम फाइन, इट्स ओके। बाय द वे माय नेम अरहान, अरहान खान। राशि फर्स्ट ईयर और आप? सेम ईयर। वैसे आपको कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम हो आइएगा, मुझे बंदा सब संभाल लेगा। हाँ आप इस कॉलेज के जेस्टोन हैं? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बंदे इंटरेस्टिंग होते हैं। सी यू सून? अरे सी यू सून नहीं मैडम, सी यू डेली रोली है। एक ही कॉलेज, एक ही क्लास, मिलना तो रोज होता ही रहेगा। तो फिलहाल मैं सोचती हूँ, बाय। पहली ही नजर में अरहान की नजरें राशि पर टिक सी गई थी,
और राशि भी उसकी पर्सनैलिटी और उसके जॉली नेचर पर इंप्रेस हो गई। एक ही कॉलेज में होने के कारण दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और जल्द ही प्यार में बदल गई। अरहान उसे महंगे से महंगे तोहफे देने लगा जो हर्ष उसे कभी नहीं दे सकता था, और देखते ही देखते दोनों काफी करीब आ गए। बेबी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मुझे क्या पता तुम करते हो, तुम्हें पता होगा। यार तुम ना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। अच्छा बाबा बताओ कितना प्यार करते हो मुझसे? ना मैं नहीं बता रहा। ओ मेरा बेबी नाराज हो गया, अब बता भी दो यार। राशि, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अच्छा जी, और तुम्हारी जान लेगा कौन? मेरी जान सिर्फ तुम्हारी है बेबी, जब दिल करे ले लो। अच्छा अच्छा चलो, अब ज्यादा बहनों मत। ये बताओ तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज लाने वाले थे? अरे यार जब तुम मेरे पास होती हो ना मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लाए हूँ ना। Oh my God, this is so beautiful. Thank you so much. Thank you. I love you, baby. एक तरफ राशि अरहान के साथ मजे कर रही थी और दूसरी तरफ हर्ष उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। वो ना तो हर्ष का फोन उठा रही थी और ना ही उससे मिल रही थी, लेकिन तभी अमित हर्ष से मिलता है और उसे सच्चाई से रूबरू करवाता है। कैसा है मेरे भाई? बस यार कट रही है। तेरी भाभी भी यार पिछले कुछ दिनों से ना तो फोन का जवाब दे रही है और ना ही कोई मैसेज कर रही है। भाई बस यही बात बताने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया, हर्ष तुझे धोखा दे रही है। वो क्या बकवास कर रहा है यार तू, राशि ऐसा नहीं कर सकती यार। नहीं कर सकती? अबे कर रही है वो। भाई वो क्या नाम है उस लड़की का? अरहान। भाई उस लौंडे के साथ पूरे दिन भाभी घूमती रहती है। भाई एक नंबर का कमीना लौंडा है वो, रोज नई नई लड़कियां लेके घूमता रहता है। यार राशि ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? प्लीज ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है यार, सब ठीक हो जाएगा। एक बार जा उससे बात कर, हर ज्यादा टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो? मैंने क्या किया है? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, जैसा पता लग गया है तुम्हारे और उस अरहान के बारे में। देखो हर्ष, अरहान सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। बकवास मत करो, कल तुम उसके घर नहीं गई थी? दिन रात तुम उसके साथ घूमती फिरती हो, तो कहती हो वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है? सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मैंने ये कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन सच यही है कि अब मैं सिर्फ आराम से प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दो हर्ष। ठीक है, अगर तुम इसी में खुश हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला ही जाता हूँ। तुम इतनी घबरा हुई क्यों लग रही हो? अरे हाँ तुम्हारी जान को खतरा है, वो तुम्हें मार देगा। कौन मार देगा? आखिर कोई मुझे क्यों मारेगा? अरहान मैंने तुमसे एक बात छुपाई। कौन सी बात? बटेर पालन का है वादा, कम लागत में कमाई ज्यादा, शहरी लोग बने मॉडर्न, घर में बनाए किचन गार्डन। कृषि दर्पण सुबह 6:30 पर।
हर्ष तुझे धोखा दे रही है वो। क्या बकवास कर रहा है यार तू? राशि ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती? अबे कर रही है वो। मैंने ये कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन सच यही है कि अब मैं सिर्फ आराम से प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दो हर्ष। राशि ने अच्छा नहीं किया यार मेरे साथ। मैं क्या उससे प्यार नहीं करता था? भाई तो उससे बहुत प्यार करता था यार, मगर उस लड़की को कदर नहीं है तेरे प्यार की। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तू तो कैसे रो रहा है उसके लिए यार। मैं नहीं रह सकता यार उसके बिना। मैं जान दे दूंगा अपनी, मर जाऊंगा यार मैं। तू क्यों मरेगा हर्ष? मरेगा तो वो कुत्ता अरहान, मैं मारूंगा उसे। नहीं भाई तू ऐसा कुछ नहीं करेगा भाई। भाई वो उसके साथ खुश है यार। मैं तुझे और रोता हुआ नहीं देख सकता यार। नहीं देखी जाती मुझसे तेरी ये हालत। राशि को जैसे ही अमित के इरादों का पता चला तो वो सीधे अरहान के घर उसे आगाह करने पहुंच गई। वाओ व्हाट अ सरप्राइज बेबी। कॉल तो कर देती अगर डैड घर पे होते तो। अरहान तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अरहान तुम्हारी जान को खतरा है, वो तुम्हें मार देगा। कौन मार देगा? आखिर कोई मुझे क्यों मारेगा? अरहान मैंने तुमसे एक बात छुपाई। कौन सी बात? सीधे सीधे बताओ, क्यों पहेलियां ना बुझाओ। राशि अरहान को अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के बारे में सब बताती है और जो कुछ वो सुनकर आई थी वो सब भी अरहान को बता देती है। क्या कर रहे हैं लाड साहब? कुछ नहीं अबू, बस यूं ही फेसबुक पे लगा हुआ था। फेसबुक पे ही लगे रहते हो या कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो? पढ़ता हूँ ना अबू, डोंट वरी फेल नहीं होऊंगा मैं। घर छोड़ो, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे, रात देर तक लौटूंगा। क्या अबू, आज मेरी छुट्टी है, मैंने सोचा कहीं घूमने चलेंगे हम। आज नहीं बेटे, आज कुछ जरूरी काम है मुझे, फिर कभी चलेंगे। ठीक है अबू। अच्छा मैं चलता हूँ। अपने फादर के जाने के बाद प्राण घर पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। अरहान मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे मेरे बच्चे? कितने किया ये? बता बता कितने किया? अरहान क्या हो गया इसको? अरे भैया, अरहान को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद अरहान के पिता सारी घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं। इंस्पेक्टर अरहान की स्टेटमेंट के बारे में कहते हैं तो अरहान के पिता उसे बताते हैं कि अरहान अभी बेहोश है। दीपक मुझे केस थोड़ा पेचीदा लग रहा है। जी सर। चश्मदीद गवाह अब तक मिला नहीं है और अरहान को अब तक होश आया नहीं है। हमलावर तक पहुंचने के लिए हमें काफी सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन सर सबसे पहले मुझे लगता है कि खान साहब के घर की तलाशी लेनी चाहिए, हो सकता है हमारे पास कोई सुराग या कोई सबूत। ठीक है दीपक, तुम खान साहब के यहाँ
जाकर तहकीकात करो और घर में कुछ क्लू ढूंढो और आस पड़ोस वाले से मालूम करो अगर किसी ने कुछ देखा हो तो। मैं अभी निकलता हूँ बस। बट दीपक, इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स सर, आप बेफिक्र हो जाइए, कोई भी चूक नहीं होगी। मैं चलता हूँ सर। ठीक है। यस सर। ओके। पुलिस अपनी टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ती है। पहले अरहान के घर पर सबूतों की तलाश की जाती है मगर वहां से कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। आस पड़ोस पे पूछने पर भी कोई अहम सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगता है। कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलती है जिसकी मदद से वो आसानी से हमलावर तक पहुँच सकते थे और वो थी अरहान की गर्लफ्रेंड राशि। बेटा ये फोटो देखा, इस लड़के को कहीं देखा तुमने? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से। अरहान नाम है इसका। अच्छा। हाँ सर। और क्या जानते हो उसके बारे में? बहुत ही मस्त लड़का है सर। अच्छा, कैसे करो? बड़ी ऐश की जिंदगी जीता है। अच्छा, ऐश की जिंदगी किस तरह की? सर क्या बताऊँ, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है सर। रोज नई लड़कियाँ, नई गर्लफ्रेंड लेकर घूमता रहता है। आजकल इसकी कोई गर्लफ्रेंड राशि नाम की कोई लड़की है, दोनों साथ ही घूमते हैं। राशि, राशि के बारे में क्या जानते हैं? सर राशि के बारे में कुछ खास नहीं जानता मैं। और रहती कहाँ? यहीं पीछे गांधीनगर में ही रहती है सर। गांधीनगर, ठीक है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। तुम जाओ। जयंत सर। आओ दीपक, बैठो। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी तफ्तीश, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? जी सर, अरहान के बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल दी है। थोड़ा रंगीन मिजाज है लड़का और उसकी एक गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चला है जिसके साथ आजकल वो घूमता फिरता रहता है। मुझे लगता है उस लड़की के पास से कुछ सुराग मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है? जाओ उस लड़की के पास और पूछताछ करो और कुछ ऐसा सुराग निकालो कि हम सीधा हमलावर तक पहुंच जाए। और सर मैंने खान साहब के भी घर का कोना कोना छान मारा पर मुझे कोई सुराग नहीं मिला। ठीक है दीपक, तुम जाओ और अपनी तफ्तीश जारी रखो। जी सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। जब पुलिस राशि से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को सारी बात बता देती है जिसमें अमित का नाम सामने आता है और पुलिस अमित को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है। हाँ भाई मिस्टर अमित, ये बता क्यों मारा था तुमने उसे? सर मैंने उसे नहीं मारा था, मैं सच बोलता हूँ सर। झूठ बोलता है तू, क्यों मारा तूने? सर मैंने उसे नहीं मारा था। मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ। हाँ मैंने गुस्से में बोला था कि मैं अरहान का खून कर दूंगा मगर मैंने उसे नहीं मारा था। मैंने उसे नहीं मारा। हेलो सर, मैं अरहान का फादर बोल रहा हूँ। जी जी मिस्टर खान, बोलिए। अब उसको होश आ गया है, अब आप उसका बयान ले सकते हैं। होश आ गया उसे? बहुत अच्छी बात। जी मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू। सुरेंद्र जी सर, दाल थाले को वाला। अरहान के होश में आते ही पुलिस हरकत में आ गई और उसका स्टेटमेंट लेने हॉस्पिटल पहुंच गई। गले में गहरे जख्म होने के कारण अरहान बोलने में असमर्थ था, इसलिए पुलिस ने उसे लिखने को कहा। कागज पर हर्ष का नाम लिखते ही अरहान ने वही दम तोड़ दिया। अब मामला आईने की तरह साफ था तो पुलिस ने राशि के एक्स बॉयफ्रेंड हर्ष को धर दबोचा। पूछताछ के बाद उसने सारी कहानी से पर्दा उठाया और अपना गुनाह कबूल किया। Thank you.
जनाब को जला हुआ आशे। क्यों आशे? क्यों किया था तुमने मर्डर? अबे बोलेगा भी हर्ष, तो तुमने मर्डर क्यों किया? हर्ष, मैं पूछ रहा हूं क्यों किया था तुमने उसका मर्डर? आई दे रहा तुमको। बता रहा है कि नहीं? हाँ साहब, मैंने ही अरहान का मर्डर किया साहब, और करता भी क्या, उसने मुझसे मेरी रांची छीन ली साहब। तो मैं रांची के बिना नहीं रह सकता। फिर अब ना ही उसे किसी और की बाहों में देख सकता हूं मैं। एक दिन मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था, और मैं चाकू लेकर सीधा अरहान के घर चला गया साहब। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, चोट से राशि को तेरे लिए चोट से। क्या किया तूने? दे 12 साले के चाकू मैंने तेरी राशि को छीन रहा था मुझसे। मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन माइनर होने के कारण उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। सन की मोहब्बत एक रिश्ते को और ले डूबी। हमारी आपसे अपील है, अपने रिश्तों की कद्र करें। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम फाइल्स प्यार इश्क और गुनाह की एक नई कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंदुस्तान।